वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के स्टूडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। तो अभी अपने देश भारत ने रूस से 21 MiG-29 और 12 Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अपना देश भारत ये लड़ाकू विमान रूस से खरीदेगा। अब रूस से खरीदेगा तो ये है मैप में रूस, रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है, रूस में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, रूस में बैकाल झील है, रूस में उरल के पहाड़ हैं और रूस ने अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है। तो अभी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई, इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों से संबंधित कारकों के आधार पर यह ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की जाती है। बहुत लंबे समय तक जो रक्षात्मक और आक्रामक सैन्य अभ्यास होते हैं उसके बेस पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है, रूस सेकेंड नंबर पर रहा है और चीन थर्ड नंबर पर रहा है। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट पर है। तो अभी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ली है और अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने शपथ ली है और कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अच्छा, जो बाइडेन ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इनकी दो बुक्स इंपोर्टेंट है, एक का नाम है प्रॉमिस मी डेड और एक का नाम है प्रॉमिस टू कीप। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था, उसके बाद रशिया ने भी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की थी और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध भी अमेरिका ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्टर लाइट हाउस शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट लाइट हाउस ये गोवा ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ऊद बिलाव ये एक जानवर होता है और इसकी पहली बार गणना उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कराई थी और अब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस गोवा ने शुरू किया है। अब गोवा ने शुरू किया तो ये है मैप में गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी गोवा में शुरू हुआ। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए जब भी
डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार या नेशनल पार्क की बात आती है, मैं आपको हर बार बताता हूं। अच्छा, गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई थी और स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा में शुरू हुई। गोवा के चर्च में एक खाजी प्रसाद मिलता है, उसको जीआई टैग मिला था। गोवा की हर्बल मिर्च को भी जीआई टैग मिला था। गोवा में एक मोयरा केला होता है, इसको भी जीआई टैग मिला था। और गोवा की खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला था। इतना गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस को कम कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऐसे उड़ीसा के स्कूल जिनकी वार्षिक फीस 6,000 रुपए से ज्यादा है, उनकी ट्यूशन फीस को कम कर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब उड़ीसा ने किया तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू किया गया था, इसके तहत अब किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में अभी एक तालाब को स्वच्छ करने के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। ये एक बिंदु सागर तालाब है उड़ीसा में, इसकी स्वच्छता के लिए ये स्वच्छ बिंदु सागर पहल IOCL ने उड़ीसा में शुरू की थी। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, उड़ीसा में गोल्डन बीच भी है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल शुरू हुआ था और जो अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा के 3 मंदिर आपको याद रखने हैं, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा में भी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई थी। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है, एक है बैंकट रायपुर और दूसरा है न्योलिया शाही। तो इन दोनों गांव के नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर, यहां पे अभी एक अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी। उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ है, ये निमोनिया दिवस पर शुरू हुआ। 12 नवंबर को निमोनिया दिवस होता है और 12 नवंबर को ही उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। अच्छा, उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में नुआ खाई उत्सव मनाया गया। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब उड़ीसा में नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम नुआ खाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही थी, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया गया। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बैसीपल्ली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उन्नी कृष्णन नंबूथिरी ये एक अभिनेता थे और इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबूथिरी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे माता प्रसाद, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे माता प्रसाद, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। अब अरुणाचल प्रदेश की रहे तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में मेवाड़ी ऐप लॉन्च हुआ था। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो आप अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो लसित मलिंगा ने अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है लसित मलिंगा। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे लेकिन अब इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, अब सिंगापुर के साथ किए। तो ये है मैप सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में जो शिवराजपुर बीच है इसको डेवलप करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो शिवराजपुर बीच है ये अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था और ये गुजरात का अब पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है, इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने की घोषणा कर दी है। अब गुजरात ने की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला है, वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया। गुजरात के गिरीश सोमनाथ में जो सोमनाथ मंदिर है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन, इसका नाम अब नेताजी मेल कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। तो अभी तक इसका नाम हावड़ा कालका मेल था लेकिन अब इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। एक्चुअल में अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, इसीलिए इनकी जयंती पर हावड़ा कालका मेल का नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक एक नया ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अब हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी चांडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश की एक नदी है सारी छू, इसके किनारे एक गांव का निर्माण कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है और इनके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में जो सारी छू नदी है उसके किनारे चाइना ने एक पूरे पूरे गांव का निर्माण कर दिया है। अब सारी छू, तो छू का मतलब क्या होता है? नदी। तो सारी छू नदी अरुणाचल प्रदेश में है और इसी के किनारे चाइना ने एक गांव का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है सिद्धार्थ मोहंती और एनए को एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, एलआईसी इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया है?
तो अभी मेघालय ने 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 3 राज्यों का राज्य दिवस होता है 21 जनवरी को, और वो 3 राज्य कौन से हैं? एक है मेघालय, दूसरा है मणिपुर और तीसरा है त्रिपुरा। तो इन 3 राज्यों का राज्य दिवस 21 जनवरी को होता है। पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनका गठन किया गया था और 1972 में इन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो अभी बिहार में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में किस राज्य के गुच्छे मशरूम को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।